हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वर्षा दलाल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। इससे पहले हमने एटम के बारे में पढ़ा था, अब हम क्या स्टार्ट करें, हम न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। पहले हमने किया था, जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा सेंटर में होता है। ये क्या है हमारा, कोई भी एटम या ऑर्बिट, इसके अंदर क्या था हमारा, जो इलेक्ट्रॉन था वो रिवॉल्व करता था इस तरीके से, सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, समरफील्ड के अनुसार जो था वो इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर। बीच में क्या था, ये था हमारा न्यूक्लियस। हम इसके अंदर क्या स्टडी करेंगे, न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे। न्यूक्लियस क्या होते हैं, न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्या होता है हमारा न्यूक्लियस के अंदर, जैसे ये मान लिए, सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो क्या होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, एंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। क्या हमारा डेफिनेशन के अंदर एंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज, जितना भी हमारा मास है या पॉजिटिव चार्ज है वो सभी एटम का, वो सिर्फ एक स्मॉल वॉल्यूम के अंदर होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्या होता है हमारे प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। रेडियस क्या होती है, रेडियस ऑफ एन एटम क्या होती है, 10^-10 मीटर होती है। क्या होती है ये एटम की, और हम रेडियस निकालें अगर न्यूक्लियस की तो वो किसके इक्वल होती है हमारी, 10^-14 एम से 10^-15 एम के बीच में होती है। एटम की क्या होती है, 10^-10 एम, और न्यूक्लियस की क्या होती है, 10^-14 से 15 के बीच में कुछ भी हो सकती है हमारी। जो न्यूक्लियस है वो एटम से कितना टाइम छोटा है, 10^4 टाइम्स छोटा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम देखें, ये रूम है, ये पूरा रूम क्या है हमारा, हम इसको एटम ले लेंगे, और जो इस पूरे रूम के अंदर अगर हम सुई को पकड़ लें तो उसकी जो नोक होगी वो हमारे न्यूक्लियस होगी। क्या होगा, जो एटम है वो हमारा पूरा रूम होगा, लेकिन जो न्यूक्लियस होगा अगर हम सुई लेंगे तो उसकी एक छोटी सी नोक, वो क्या होगी हमारी, न्यूक्लियस होगी। प्रोटॉन देखते हैं हम, प्रोटॉन क्या है हमारा, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। हम इसको किस पी से, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल पी ले लेंगे हम प्रोटॉन को, हम इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है हमारा, प्लस ई चार्ज, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.6×10^-19 कूलम। क्या होती है प्रोटॉन का चार्ज हमारा, प्लस ई होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.6×10^-19 कूलम। इसका प्रोटॉन का मास कितना होता है हमारा, 1.66
6 × 5 × 10⁻²⁻²⁷ केजी, ये क्या होता है हमारा प्रोटॉन का मास होता है। अब हम न्यूट्रॉन इसका एग्ज मतलब इसको सिंबल क्या होगा हमारा, एक बार सिंबल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में क्या होते हैं हमारे सिर्फ प्रोटॉन्स होते हैं। ये क्या होता है हमारा हाइड्रोजन और इसके न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स। तो हम इसके इस तरीके से लिख सकते हैं हाइड्रोजन, ये क्या हमारा एटॉमिक नंबर और ये क्या हमारा मास नंबर। ये मास अप्रॉक्सीमेटली हम इसकी वैल्यू को 1 AMU लिख सकते हैं ना। अगर हमें एग्जैक्ट अगर इसकी वैल्यू दी होगी तो हम इसकी वैल्यू लेंगे, नहीं तो हम इसको 1 AMU से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है, इसको हम 1 UB लिख सकते हैं। तो मास नंबर एटॉमिक नंबर इस तरीके से क्या होगा, ये इसका हमारा प्रोटॉन का सिंबल हो गया। अब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की, जिसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका जो चार्ज, न्यूट्रॉन पे हमारा कोई चार्ज नहीं होता है, क्या होता है न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन पे क्या था हमारा प्लस ई चार्ज, लेकिन न्यूट्रॉन के अंदर चार्ज कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है। इसका मास क्या होगा, न्यूट्रॉन का मास 1.6645 इसके आसपास होता है। अब फर्क देखो, ये क्या था 1.662 के अराउंड और ये क्या है 1.664 के अराउंड, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इसको भी हम अप्रॉक्सीमेटली 1 AMU इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है तो हम एग्जैक्ट लिखेंगे, नहीं तो हम इसको AMU इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है न्यूट्रॉन का मास है। हम इसको इसका सिंबल क्या लिखेंगे न्यूट्रॉन का, N जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n के साथ, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है जीरो है, और जो मास नंबर है वो क्या है वन ए एम यू। इस तरीके से हम इसके सिंबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं न्यूट्रॉन के। इसको हम लिखेंगे किस तरीके से, कोई भी हम ले लेंगे एक्स, एक्स क्या हमारा इसके अंदर एलिमेंट, हम कोई भी एलिमेंट ले लेंगे, उसके नीचे क्या लिखेंगे हम जेड, जेड क्या हमारा एटॉमिक नंबर है, और ए, ए क्या है हमारा इसके अंदर मास नंबर। तो हम किस तरीके से हम लिखते टाइम इसको किस तरीके से लिखते हैं, ए जेड एक्स, यहाँ पे हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं कार्बन एल्यूमिनियम, इस तरीके से इसको हम इस तरीके से क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। हमने इसके अंदर जेड क्या लिया था, एटॉमिक नंबर लिया था, और एटॉमिक नंबर हमारा किसके इक्वल होता है जेड, एटॉमिक नंबर इसमें क्या होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन हैं उसको हम क्या कर किसके इक्वल होंगे, वो जेड एटॉमिक नंबर होगा वो हमारा। ये क्या है हमारा मास नंबर, मास नंबर हमारा किसके इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किस इसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
हम बहुत सारे लेंगे तो उसके लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. ग्रुप्स के लिए हम न्यूक्लियॉन्स यूज करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो कि हमारा इक्वल होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के, जिसको हम क्या ए से प्रेजेंट करते हैं. क्या होता है ये, ए हमारा मास नंबर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के इक्वल होता है. एटॉमिक मास देखेंगे हम, एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है हमारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. और ये दो, और ये वाली इसको हम ए लिख सकते हैं ना, ये किसके इक्वल है हमारा, न्यूक्लियॉन्स ए मास नंबर के इक्वल है. इनटू मास, मास क्या होता है, ए एम यू, वन एटॉमिक मास यूनिट. हम इस तरीके से एटॉमिक मास को ए इंटू वन ए एम यू, इस तरीके से हम एटॉमिक मास को लिख सकते हैं. इसके बाद क्या देखेंगे हम, क्लासिफिकेशंस, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई. इसके अंदर एक चीज और रह गई हमारी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम, अगर हम मास नंबर में से अगर एटॉमिक नंबर को हम माइनस कर दें तो वो क्या होंगे हमारे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे. हम क्लासिफिकेशन में हम इसके एग्जांपल्स को देखेंगे. फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन होगी हमारे इसके अंदर वो क्या होगी, फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या होगी हमारी, आइसोटोप्स. आइसोटोप्स क्या होता है, इसके अंदर जो जेड, जेड हम किससे प्रेजेंट, जेड क्या होता है हमारा एटॉमिक नंबर. आइसोटोप्स के अंदर क्या होगा, एटॉमिक नंबर हमारा सेम होगा लेकिन जो मास नंबर है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा. क्या होगा हमारा इन आइसोटोप्स के अंदर, कौन से न्यूक्लियाई लिए जाएंगे इसके अंदर, हैव जिनके पास सेम क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या हम इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. क्या होगा हमारा इसके अंदर, एटॉमिक नंबर होगा वो हमारा सेम रहेगा लेकिन जो मास नंबर होगा वो हमारा डिफरेंट होगा. एग्जांपल के लिए हम लेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एग्जांपल लेंगे. ये क्या होते हैं हमारे, Z एटॉमिक नंबर. इसके अंदर क्या है, एटॉमिक नंबर तो हमारा सेम है लेकिन जो मास नंबर है वो हमारा डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है. हाइड्रोजन 1, 2 and 3 क्या हमारा इसके अंदर एटॉमिक नंबर है, वो तो हमारा सेम है लेकिन जो मास नंबर है वो हमारा इसके अंदर डिफरेंट आ रहा है. ये हमारे किसके इक्वल होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं. फ्रैक्शनल एटॉमिक मास देखेंगे हम, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास की वैल्यू क्या होती है हमारी, ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री. ए क्या, ए वन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप.
A1 को हम एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप लेके चलेंगे, A2 को एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप, इसी तरीके से हम A3 को क्या लेके चलेंगे, एटॉमिक मास ऑफ थर्ड आइसोटोप। X क्या है हमारा इसके अंदर, फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। X1 और X2 इसी तरीके से क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आइसोटोप, और इसी तरीके से हम X3 क्या लेंगे, फ्रैक्शन ऑफ थर्ड आइसोटोप, इस तरीके से एंड सो ऑन, इस तरीके से हमारा हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए क्या लेंगे हम, एग्जाम्पल लेंगे हम क्लोरीन का, इस तरीके से क्लोरीन की क्या दो वैल्यूज आती है हमारी, एक 35 और एक 37। इसका क्या है, एटॉमिक नंबर जो है हमारा वो सेम है, लेकिन क्या है, मास नंबर डिफरेंट है, यही हमने आइसोटोप्स के अंदर देखा था। तो एग्जांपल लेंगे हम क्लोरीन का, लेकिन जो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो क्या होता है हमारा, 35.5 amu, इसके इक्वल होता है। इसकी दो वैल्यूज आती हैं, हमने एक्सपेरिमेंटली जब देखा इसको करके, एक बार 35 आ रही है, एक बार 37 आ रही है, इसकी पॉसिबिलिटीज हैं 75% और इसकी पॉसिबिलिटीज क्या हैं, 25%। तो हम इसका एटॉमिक मास निकालेंगे, जब हमने ऊपर इसकी वैल्यू लिखी थी तो क्या आ जाएगा, किसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं इसकी, 75/100 प्लस 37 इंटू कितनी पॉसिबिलिटीज हैं इसकी, 25/100। हम इसको सोल्व कर रहे हैं, ये हमारा इस तरीके से आ गया, 3/4 प्लस 75 इंटू 1/4 एंड 37/4। एलसीएम क्या ले लिया हमने, इसका ले लिया 4, इन दोनों को प्लस करेंगे, 4 1, तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, 35.5 amu। एटॉमिक मास को हम इस तरीके से निकालते हैं, जो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो हमारा किसके इक्वल होता है, 35.5 amu। ये क्या थी हमारी फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी, इसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन हमारी क्या आएगी, सेकंड क्लासिफिकेशन है आइसो बार्स। इसकी सेकंड क्लासिफिकेशन क्या हमारी, आइसोबार्स। आइसोबार्स के अंदर क्या होता है, जो हमारा मास नंबर होता है वो तो हमारा सेम रहता है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या रहता है हमारा, डिफरेंट होता है। आइसोटोप्स के बिल्कुल उल्टा होता है आइसोबार्स के अंदर, उसके अंदर क्या था, ये मास नंबर तो हमारा डिफरेंट था और एटॉमिक नंबर हमारा क्या था, सेम था, लेकिन जब आइसोबार्स की बात करें तो हमारा मास नंबर तो सेम है इसके अंदर, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। इसके एग्जांपल के लिए हम क्या लेके चलेंगे, इसका एग्जांपल देखते हैं हम, हमारी कार्बन की ये क्या होती है, दो वैल्यूज आती हैं, जिसमें हमारा एक का जो क्या है हमारा, ये एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन इसका सेकंड का क्या है हमारा, एटॉमिक नंबर 7 है। ये क्या है हमारा, आइसोबार्स का एग्जांपल है, जिसमें क्या है, एटॉमिक
नंबर तो हमारा डिफरेंट आएगा, लेकिन जो मास नंबर क्या होगा वो हमारा इसके अंदर सेम रहेगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसके अंदर? 6 प्रोटॉन। इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 7 प्रोटॉन्स। ये क्या हमारा Z एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 प्रोटॉन्स एंड 7 प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? ए माइनस जेड। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? हमारे न्यूट्रॉन्स आएंगे। 14 माइनस 6 8 न्यूट्रॉन्स, और 14 माइनस 9 हमारे कितने आ गए? 7। 14 माइनस 7 हमारे 7 न्यूट्रॉन्स। लेकिन जो हमारा इसका सम होगा इन दोनों का वो हमारा सेम आएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गए हमारे इसके अंदर? सेम रहेंगे। जो एटॉमिक नंबर था वो हमारा डिफरेंट था, लेकिन मास नंबर क्या था हमारा इसके अंदर? सेम था। लेकिन जब हम इसके न्यूट्रॉन्स निकालेंगे उनकी वैल्यूज अलग अलग आएगी, लेकिन जब हम इनका दोनों का सम करेंगे तो वो हमारा सम जो है वो हमारा बिल्कुल इसके इक्वल आएगा। थर्ड क्लासिफिकेशन देखेंगे हम। थर्ड क्लासिफिकेशन क्या हमारी? आइसोटॉन्स। क्या हमारी थर्ड क्लासिफिकेशन? आइसोटॉन्स के अंदर क्या रहेगा हमारा? जो मास नंबर होगा वो भी हमारा क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। और जो एटॉमिक नंबर होगा वो भी हमारा डिफरेंट रहेगा, लेकिन जो इन दोनों का डिफरेंस है वो हमारा क्या आएगा? वो सेम आएगा। आइसोटोप्स में क्या था? ये सेम था, ये डिफरेंट था। आइसोबार्स में क्या था? ये सेम था, ये डिफरेंट था। लेकिन आइसोटोन्स में क्या देखेंगे हम? ये दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स वो क्या है? सेम रहेंगे। एग्जाम्पल लेंगे हम कोई, जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे लिथियम का और बेरियम का 4-8 इस तरीके से। ये क्या देखा हमने? एटॉमिक नंबर भी इन दोनों के डिफरेंट हैं, और क्या है? मास नंबर भी इन दोनों के डिफरेंट है, लेकिन जो इनका डिफरेंस है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स वो क्या है हमारा? सेम है। क्या हमारा? सेम है। एटॉमिक नंबर हमारा इसके अंदर डिफरेंट है, एटॉमिक मास हमारा इसके अंदर डिफरेंट है, लेकिन जो ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो क्या है हमारे? सेम है दोनों के, वो इनका डिफरेंस हमारा सेम है। तो ये हमारी कौन सी क्लासिफिकेशन है? आइसोटॉन्स क्लासिफिकेशन है। आज के लेक्चर में हमने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और क्या देखा इसकी क्लासिफिकेशन होगी। ये हमारा बेसिक्स था न्यूक्लियस के बारे में। कल वाला लेक्चर हम क्या लेंगे? जो इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई। तो आज का लेक्चर यही ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।